हरियाणा के महेंद्रगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता इंडिया गठबंधन के इरादे पहले से ही भांप चुकी है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडिया गठबंधन का ढोल फट गया है और आपने देखा ही होगा कि 3रे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना भी शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग वैसा क्यों करता है? उन्होंने गांव बनाना भी शुरू कर दिया है कि पराजय का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। चरण के देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भांप चुकी है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है और आपने देखा होगा 3रे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन आंकड़े क्यों नहीं देता है, आंकड़े देर से क्यों देता है, इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करता है, इलेक्शन कमीशन वैसा क्यों करता है, उधर ईवीएम बंद हो गया, उधर ईवीएम चलता नहीं है, उधर ईवीएम का यानी उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है कि पराजय का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। और इसलिए बराबर जम करके इस बार ईवीएम को गालियां दे रहे हैं। हम सब जानते हैं भाई, जिस भूमि में कोई पैदावार न हो, कोई किसान उसमें एक भी बीज डालेगा क्या? जिसमें फसल न हो, ऐसी जमीन पर या ऐसी सीजन में कोई किसान एक भी बीज डालेगा क्या? जब पता है कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली तो कोई उधर वोट डालेगा क्या? कोई डालेगा क्या? ये हरियाणा वालों को तो कहने की जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि उनको मालूम है भाई इनकी सरकार 7 जन्म में भी बनने वाली नहीं है। और कांग्रेस को दिया हर वोट बेकार ही होना है। इसलिए आपको सरकार बनाने के लिए वोट करना है। और सरकार किसकी बनने जा रही है, किसकी सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये विपक्ष घमंडिया गठबंधन बनकर आगे बढ़ा है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, अगर आपको बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? शरद पवार बन सकते हैं क्या? लालू यादव बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? राहुल गांधी बन सकते हैं क्या? एक पत्रकार ने उनसे पूछा आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, तो उनके एक नेता ने कहा कि 5 साल बारी बारी बनेंगे, देश ऐसे चल सकता है क्या? आगे अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कोई दिखाई पड़ता है भाई आपको? भाइयों बहनों, ये विपक्ष एक घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ा है। मैं आज यहां से राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मगर देश की जनता जानना चाहती है कि आपको अगर बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? कोई दिखाई पड़ता है भाई आपको? दिखाई पड़ता है? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जोर से बोलो, बन सकते हैं। हमारे पड़ोसी लालू जी बन सकते हैं? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं?
स्टालिन बन सकता है। अब हंसना मत, हंसना मत, राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे भाई, इतने बड़े नेता है, बन सकते हैं क्या? अब एक पत्रकार ने उनको पूछा कि भाई आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, तो उनके एक नेता ने कहा 5 साल बारी बारी बनेंगे। डुमरियागंज वालों, देश ऐसे चल सकता है क्या? मुझे बताओ, चल सकता है? अरे राहुल बाबा, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान देश है, महान। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कितना लाभ मिलता है, आज इसका लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ले रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से पीएम नरेंद्र मोदी मुफ्त राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं और अगले 5 वर्षों तक करवाएंगे, लेकिन ओडिशा में यहां की सरकार नौकरशाहों से ऐसे घिरी हुई है कि वे मुफ्त राशन की सुविधा को भी अपने नाम से भुनाने का काम करती है। नवीन पटनायक की सरकार यहां पर आयुष्मान योजना लागू नहीं होने देना चाहती। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। योजनाओं को लेकर के जब डबल इंजन की सरकार होती है तो कितना लाभ मिलता है, आज इसका लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य लेते हैं। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा मोदी जी पिछले 4 वर्ष से उपलब्ध करवा रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन उड़ीसा में यहां की सरकार, नवीन पटनायक की सरकार नौकरशाहों से ऐसी घिरी हुई है कि वह फ्री में राशन की सुविधा को भी अपने नाम से भुनाने का काम करती है। मोदी जी पूरे देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की उपचार की सुविधा प्रतिवर्ष उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन यहां पर नवीन पटनायक जी की सरकार यहां पर आयुष्मान भारत लागू नहीं होने देना चाहती है। बहनों और भाइयों, आप देख सकते हैं किसानों को किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय का निर्माण, घर घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन और 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए पीएम आवास की सुविधा देश के अंदर बिना भेदभाव के मिली है। आप देख सकते हैं मोदी जी ने 10 वर्ष में जो दिया है, इसमें किसी का चेहरा नहीं, जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र नहीं, भाषा नहीं, पूरे देश के अंदर सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ इन योजनाओं को देश के अंदर लागू करने का काम किया है। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और भी गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है? तो आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 30 सेकंड तक उन्होंने सोचा और वे कहते हैं क्या मैं सबको गरीब कर दूं। आगे राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हिंदुस्तान, आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे? वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है देखे? नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो चमचे ने, एक चमचे ने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं क्या मैं सबको गरीब कर दूं? आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे? वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है देखे? नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र
अगली खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां जिंगर समाज ने शिरोमणि अकाली दल को लोकसभा चुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया है। भारी संख्या में समाज के लोग शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए। समाज सेवक प्रोफेसर सुमेर सिंह सोडा ने के नेतृत्व में जिंगर समाज ने एक कार्यक्रम के तहत शिरोमणि अकाली दल को लोकसभा चुनाव में समर्थन देने का वादा किया। वहीं आपको बताते चले कि मौके पर लोकसभा सीट पटियाला से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार और एनके की मौजूदगी में सिंगर समाज के लोग पार्टी में शामिल भी हुए। और इस मौके पर शर्मा ने यह भी कहा कि यह मेहनती और ईमानदार समाज के लोग हैं। उन्होंने कहा कि सिंगर समाज के आने वाले पार्टी को बल मिला है और शर्मा ने यह भी कहा कि हमारी जीत अब निश्चित है। किसी ने किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बिल्कुल साफ सुथरे बंदे ने जुड़ के ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜੀਨਗਰ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੰਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਲਾਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਬਸ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਲੱਭ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇਖੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ 2400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ, ਹੈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ 2027 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਈਅਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਣਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਗਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਟੋਟਲ ਟੀਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਰਿਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਿੰਗਰ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਡਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਜਿੰਨੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਲੌਟ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਪੀ ਲੌਟ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਸਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੋਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਕਿ ਸਵੈਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕਰਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, 30 ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਕਾ ਪਾਉਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਬਣਾਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਜਗਰਾਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ
प्रचार करे जाए, पर पटियाले के लोग सारा कुछ समझते हैं कि पटियाले के अंदर सीएम रहे कि कारगुजारी है। मैं समझदा कि कोई पटका पाने श्रद्धा नहीं बदल जाती। चौथे नंबर से चल लगातार ही नारे ला रहे हैं कि जिम्मे मैं बिजली का बिल सीटा उन्होंने जीरो हो गई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। 13 सीटा के जीरो रिजल्ट आऊगा, मतलब एक भी। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने कहा कि ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वालों के बीच है। अभी मैं केवल उम्मीदवार हूं, लेकिन जनता की मोहब्बत का असर देखिए कि 10 दिन के प्रचार का नतीजा यह है कि आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जो 10 साल से दिल्ली में रहते हैं, उन्हें यमुना पार करने में 10 साल लग गए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आप सबसे मैं आग्रह करने के लिए आया हूं कि ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वाले के बीच में है। हमने इस क्षेत्र में काम किया है और हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। उन्होंने इस क्षेत्र को बदनाम किया है और इस क्षेत्र को वो बदनाम करेंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अभी तो मैं कुछ बना भी नहीं हूं, अभी तो मुझे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने सिर्फ कैंडिडेट बनाया है उत्तर पूर्वी दिल्ली का। लेकिन आप असर देखिए, आपकी मोहब्बत का, आपके आशीर्वाद का, आपके हौसले का और आपके समर्थन का, कि 10 दिन के मेरे चुनावी कैंपेन का नतीजा ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से दिल्ली रहते हैं और यमुना पार करने में उनको 10 साल लगा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट कीजिए। अभी तो हम प्रधानमंत्री को यमुना पार लेकर के आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और जिस तरीके से वो अपमानित करते हैं यमुना पार रहने वाले लोगों को, मैं तो कहता हूं मेरा नाम कन्हैया है, गंगा किनारे में पैदा हुआ और यमुना किनारे रहने वाले आप तमाम मतदाताओं ने जिस तरीके से मुझे गले लगाया है, जिस तरीके से आपने आशीर्वाद दिया है, हमको पूरा भरोसा है कि यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को जो भाजपा अपमानित कर रही है, आपको मालूम है जय शाह के पिताजी ने अभी कहा कि इंडिया अलायंस के जो वोटर हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 25 साल 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार है, और यह सरकार हमने ईवीएम की चोरी करके नहीं, आपके समर्थन से बनाई है कि नहीं बनाई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर एलजेपी प्रमुख रामविलास चिराग ने से चिराग पासवान ने कहा कि 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसे लगी है। इन 5 चरणों के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है और इस बार उनके गठबंधन यानी कांग्रेस की एक भी सीट हमारे खाते में आ रही है। आपको बताते चले, उन्होंने आगे यह भी कहा कि 4 तारीख को 400 पार है। दिल्ली में लोग ऐसी हरकतें करते हैं भाई, दिन कितने बचे हैं, और ऐसे में थोड़ा सा सब्र। और कितना, आज 23 तारीख हो गई है, 23 तारीख आज हो चुकी है, 23 तारीख आज हो चुकी है और महज 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। इतना मैं बता दूं, और ये जानकारी आप सबके पास भी आ रही होगी, कि जो 5 चरण का मतदान हुआ है, इन 5 चरण के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। बचा 6ठा और 7वां चरण, 25 और 1 तारीख का जो है, उसमें हम लोग 400 पार कर लेंगे। और जो लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो 2019 में खाता तक अपना नहीं खोल पाए थे, इस बार उनका गठबंधन एक सीट जो पिछली बार ये लोग निकाल लिए थे कांग्रेस की, राजा तो खाता भी नहीं खोल पाई थी, किशनगंज वाली जो एक सीट ये लोग निकाल लिए थे, इस बार वो सीट भी हम लोगों के खाते में आ रही है। 4 तारीख को 400 पार।
ग्वालियर में चोर इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि वह दिन दिहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल शहर की सबसे पोश कॉलोनी माधव नगर में दिन दिहाड़े दो चोरों ने सोने मकान को अपना निशाना बनाया और सिर्फ 22 मिनट में सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत 22 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। आपको बताते चले कि मामले में घर में घुसते हुए और माल पोटली में भरकर फरार होते हुए सीसीटीवी कैमरे में अज्ञात चोरों को कैद किया गया है और वहीं है मामला झांसी रोड थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और जिसमें पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी पुलिस कोतवाली एवं पुलिस अधीक्षक से एक महिला ने उसके साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत की और जिस पर पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह के द्वारा तत्काल टीम गठित कर शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उक्त प्रकरण में कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। वहीं आपको बताते चले कि आरोपी एक समाचार पत्र पर जियो कंपनी का 5G मोबाइल टावर लगाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर रहा था। साइबर सेल की मदद से प्राप्त मोबाइल नंबर की उपयोगकर्ता और तक जो है वो एक गठित टीम जो है ढिंडोरी पहुंच गई और लोकेशन के आधार पर पुलिस ने हरियाणा के जिला झज्जर से रविंद्र दलाल नाम के आरोपी को धर दबोचा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि जब से हम सरकार में आए हैं नक्सलवाद के साथ जो है सख्ती से बढ़ता जा रहा है और मजबूती से लड़ाई की जा रही है। लगातार मुठभेड़ में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी उनके द्वारा किया जा रहा है और गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं। हम पुनर्वास नीति को अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़े और आत्मसमर्पण करें। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलीवाद पर वार किया जा रहा है उसका नतीजा भी जो है वो सामने दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो अधिकतर जो है आत्मसमर्पण की राह पर भी नजर आ रहे हैं और जिसको लेकर पुनर्वास नीति को और भी अच्छा बनाने के लिए जद्दोजहद जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है। तो पूरा देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़े और आत्मसमर्पण करें। वो तो लगातार मुठभेड़ हो रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ाई। तो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से नक्सलवाद पर लगातार प्रहार किया जा रहा है और जिसका नतीजा भी हम सभी के सामने है। आज आत्मसमर्पण की राह पर जो है वो आतंकवादी भी देखे जा सकते हैं और जिसमें सरकार की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो आतंकवाद है उसको किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।